सो वेलकम बैक गाइज। इस वाला अब जो हमारा व्लॉग है इसमें हम जो भी सर्दियों का जो इंतज़ाम होता है कुत्तों का बैठने के लिए, वैसे तो खुले ही रहते हैं बट रात में जो अंदर कमरे में बैठते हैं उसमें कैसे हम क्या उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं, उसके लिए क्या प्रबंध होता है, उसके ऊपर ये वाला व्लॉग है। सो बाहर यहाँ पे नैन्सी को शैडो को बांध रखा है और यहाँ पे फीबी और मोजी हैं और ये सचिन भाई आए हैं बोरियाँ ठोकने इसके ऊपर। सो अब ये ठोकेंगे हम इसके ऊपर। ठोको सचिन भाई। ये वाला जो है बेड इस पे सचिन भाई निकली भी ना रहा है कोई, बस और दो तीन मार देना, ये शैडो बहुत उछल फेंकती है, दो तीन मार देना किले इधर की साइड में। हाँ सही है, और लगे भी ना कुत्तों का। सचिन भाई को डर बहुत लग रहा है जबकि शैडो कुछ कहती नहीं है, पर फिर भी मैंने बांध दिया है। और ये वाला जो बेड है ये नैन्सी का है, बाकी इस कमरे को हम लाल कमरा कहते हैं इसके फ्लोरिंग की वजह से। ब्रिटिश टाइम पे कभी ये कोर्ट रूम हुआ करता था, यहाँ पे पीछे बॉनफायर का है और ये एंटीक पंखा है, आप देख सकते हैं चलता ही, अभी भी सर्दियों में गर्मियों में चलाते हैं कुत्तों के लिए। ये कुत्तों का रूम है लाल कमरा यहाँ पे, और बाकी स्टोर रूम टाइप ही है बड़ा सा। तो ये कुत्तों का कमरा है, काफ़ी बड़ा है। ये शैडो के लिए बेड तैयार हो रहा है। वैसे तो हम इसमें भूसा भी भरवाते हैं बट अब ये शैडो हर चीज़ फाड़ती बहुत है क्योंकि अभी इसकी आदत ऐसी है बच्चों वाली। सो ये हम कीड़े आधी आधी ठोक के मोड़ दिए जिससे कुत्तों के चुभे भी ना और एक दबी भी रहे। सो जब तक ये ठुक रही हैं हम बाहर कुत्तों को देख लेते हैं। शैडो सिट। ये आप देख सकते हैं शैडो कितनी वेल ट्रेंड है, इसका भी सारा ध्यान बॉल के ऊपर है। तो मैं इसको बॉल दे देता हूँ इसकी वाली। शैडो सिट, गुड गर्ल। सो बाकी का व्लॉग जब ये बेड तैयार हो जाएगा उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, फिलहाल के लिए इसको पॉज कर देते हैं। ये अब इस पे दूसरी डाल रहे हैं, एक और डालेंगे उस तरफ, दूसरी बोरी भी इस पर डल गई है, एक बोरी उस तरफ और ठुक जाएगी, डबल हो जाएगा आराम से बैठने के लिए, इनके हो जाए सर्दियों में जब बैठें। अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी इसमें हीटर भी लगेगा और अभी फ़िलहाल के लिए इतना बहुत है क्योंकि सुबह शाम की ठंड है अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। सो ये है, अब आगे जैसे जैसे होता रहेगा व्लॉग कंटिन्यू बनता रहेगा। दो बोरियाँ हमने ऐसे ठोक दी हैं, अब दो ऐसे हॉरिजॉन्टली ठोक देंगे, दो मतलब सीधी दो आड़ी, जिससे अच्छी खासी इनके ऊपर गर्मी भी रहेगी और सुकून से बैठ जाएंगे। और अब दूसरी बोरी जो टेढ़ी लगा रहे हैं वो ऐसी आ जाएगी और ये पूरा बेड इनका कवर हो गया है। सो ये वाला हमारा बेड कंप्लीट हो चुका है, इस पर ये बोरियाँ ठुक गई हैं पूरी, ये एक बची है, ये हमारी जो है इस पे नैन्सी वाले बेड पे ठुकेगी। अब इसको आगे ब्लॉक को कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ पे ज़रा झाड़ू नहीं लगी है क्योंकि ये वाली जो दरी थी ना ये शैडो को फाड़ने की आदत है, चीज़ें शैडो ने सब फाड़ दिया, जैसे इसको बस ये बॉल लेके बैठी हुई है, बॉल को चबाई जा रही है चबाई जा रही है। इसको बस बॉल का बहुत ज्यादा है। सो अब ये इस वाली चरपाई के ऊपर जो है ये सिला जाएगा हाथ से क्योंकि बाहर सचिन भाई को डर बहुत लग रहा था कुत्तों से। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक बोरी बहुत है नैन्सी वाली जो है, नैन्सी और मोजी बैठते हैं इस पर। सो यहाँ पे इसको सिला जाएगा। सो ये सचिन भाई सिल रहे हैं। सो अब जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये।
ये बोरी पूरी सिल चुकी है, इसके ऊपर बिल्लियाँ, बिल्लियों का एंटरटेनमेंट हो रहा है। अब बस इसको बाहर रख देंगे और जब कुत्ते इस पे बैठेंगे जब व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे, जब खाना डालने के बाद ही खोलूँगा उनको, उसके बाद ही बैठेंगे वो। ये पूरा बेड इनका तैयार हो गया। ये देखिए कुत्तों की चरपाई यहाँ रखी है, अभी अभी ये तैयार हुआ है और इस पर हमारी बिल्ली बैठ गई आगे, एंड मुएज़्ज़ा नीचे, मुएज़्ज़ा ये कुत्तों की चरपाई पे बिल्ली बैठी हुई है। तो गाइज हमने नैन्सी का भी जो पलंग है, बेड है, वो उसकी जगह पे प्लेस कर दिया है। अब हम इनका रिएक्शन देखते हैं खोल के। सबसे पहले हम शैडो को खोलेंगे। शैडो को सबसे पहले एज यूजुअल अपनी बॉल चाहिए। अब हम खोलेंगे नैन्सी को। नैन्सी पास तो आ जा बेटा, जा। शैडो देख रही है क्या हो रहा है, इसके समझ में नहीं आ रहा। ये देखें, मोजी अपना बेड देख रहा है कि ये क्या हो गया है। यहाँ पे बिल्लियाँ बैठी हुई थी तो उसकी स्मेल से बहुत अजीब सी लग रही है यहाँ पे। एंड ये फीबी अपने पिंजरे में चली गई है। शैडो तेरे बेड पे चढ़ गई नैन्सी, आ जा शैडो, आओ परा, आ जा। नैन्सी को पसंद आया, नैन्सी बैठ गई है, आ जा। अच्छा ऊपर तो आए एक बार, शैडो को भी चढ़ाने की कोशिश करता हूँ। वो दोनों शैडो, अच्छा ला बॉल दे, बॉल तो दे दे मेरे को। सिट, स्टे, स्टे, गो। ये बहुत एग्रेसिवली भागती है, मैं तो डर लगता है इसके चोट ना लग जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ये थी आज की अपडेट, आई होप आपको पसंद आई होगी। शैडो से बाय, वो कह रही है मुंह में मैं बाय नहीं बोल सकती अभी, बाय।